यह रास्ता है माता बारुंडा देवी के टेम्पल जाने का, और यह है विरार ईस्ट में। तो अभी हम है फुलपाड़ा में, और अब यहाँ से राइट साइड में ना एक डैम आता है, वो रास्ता जाता है टेम्पल पे। तो चलो चलते माता के मंदिर। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम नए गाड़ी पे कैसा है, अभी तो हम चल रहे थे बट अभी हमने हमारे डैड से गाड़ी ली क्योंकि उनके पास थी और चाबी भी उनके पास थी, तो उनसे लिए हम जा रहे हैं। ये देख लो सब यहाँ सब बच्चे लोग खेल रहे हैं। और एक्चुअली ये जो है ना जो मंदिर वो थोड़ा ना जंगलों में है, तो ये ऐसे यहाँ पे रास्ता है जिसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा। ये देख लो ये जगह देखो, सिर्फ जाने की कैसे फुल जंगलों के बीच में जा रहे हैं हम लोग। ये देखो इधर भी, ये भी साइड पूरा जंगल है और ये भी साइड पूरा जंगल है, और हम इधर गाड़ी पे अकेले अकेले नहीं बट बोले साइड है अभी बहुत लोग, बट हम तो अभी मंदिर जा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़े अकेले लोग हैं। यहाँ पे बहुत लाइट कम आएगी क्योंकि बहुत ऐसे जंगलों के बीच में जा रहे हैं हम लोग। और ये देख लो इसको, मेरा मामा प्रो ड्राइवर है, हम लोग पीछे बैठे हैं, हम लोग प्रो चल रहे हैं और मामा चला रहा है। गाइस ये बहुत बड़ा टास्क है यहाँ से गाड़ी निकालना क्योंकि यहाँ पे जो स्टोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे वाले, यहाँ पे गाड़ी चलानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट वो डील कर रहे हैं हम लोग को क्या, हम लोग तो पीछे बैठे हैं। ये देखो इसका इसका ध्यान कैमरा में होता है। गाइस ये देखो बोट शायद ना दिख नहीं रहा होगा, वो बहुत ऐसे वो सिल्वर से लिखा है ना इसलिए। और ये देखो पूरा जंगल, पूरा पूरा जंगल है आइस, बट यहाँ पर ना बारिश में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आती है क्योंकि ना जो सीनरीज होती है वो पूरे देखने लायक होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। अभी तो यार विंटर्स है बट ये देख लो बस, तो अब हम ले रहे हैं यहाँ से पूजा का सामान क्योंकि ऊपर ये सब सामान नहीं मिलता है, ये यहाँ पे ही सिर्फ होगा। तो अगर आप आते समय कुछ ला रहे हो सामान तो फिर बहुत ज़्यादा बेटर है, वरना यहाँ पे होता ही है। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। जस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सीढ़ी का सफर। चलो माता का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, जय माता दी। गाइज ये सबसे बेस्ट है। सो गाइज अब तो यहाँ से सफ़र स्टार्ट हो गया है, और पिछले बार जो गए थे वो थी जीवदानी माता और अब जो जा रहे हैं वो है बारुंडा माता। तो ये दोनों ना बहन बहन है। गाइज मुझे मेरा दोस्त मिल गया है सनी पीटी। ये देख लो प्रॉपर व्यू, ये बरगद का पेड़ जिधर भूत आते हैं। ना आए, मेरी मामी पूछ रही कि सच्चे में भूत आते हैं क्या, तो मैंने बोला अब तो यहाँ पे भगवान खुद है तो इधर किधर से भूत आएंगे। इन्हें देखो क्यूट से चल रही है, उसको चलने को लगा रहे हम लोग सीढ़ी पे से, देख लो इसको। गाइस ये थक गई, इधर ही थक गई, नीचे बैठ गई। ये देख लो इधर बैठ, चलो इकड़े बैठ, यही बैठ चलो। हाय हाय कर, अब नहीं कर रही, सुबह से किया था हाय। चलो चलो अभी सफर बाकी है, चलो चलो। गाइस यहाँ पे एक मंदिर है जो भोलेनाथ का है, वो हम लोग आपको आके दिखाएंगे उसका व्यू, क्योंकि पहले वहाँ का दर्शन ले लेते हैं फिर इधर जाएंगे। और ये देख लो सर, यहाँ पर ना बारिश के टाइम ना पूरा पानी पानी रहता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। कभी तो जाएंगे बारिश के सीज़न में भी यहाँ पे जाएंगे। गाइस लुक, एक और छोटू सा पप्पी मिल गया हमें, ये मांग रही है उसको दे रहे हैं। दीप्तू जरा साइड ला, थोड़े इकड़े उबाड़
बहुत ज्यादा भूख लगी। ये एक्चुअली हम लोग एक प्रसाद मिला था एक मंदिर से, बस हम उसको वही दे रहे। और ये देख रही है देख लो सियासिया पकड़। गाइस फाइनली वी रिच, अब पहुंच गए, बस अब मंदिर में जाना है। और यहाँ पे वो डॉग्स खा रहे अभी तक, बट हम लोग आ गए। ये देखो प्रॉपर वहाँ पे ऊपर भी है छोटू सा, उधर भी जाएंगे। और हम आ गए बारूला माता के मंदिर, और देखना मंदिर कितना ही प्यारा दिख रहा है, और देवी तो कितनी सुंदर दिख रही है। और गाइस ये ना पहाड़ों के बीच में ये जो मंदिर है वो, गाइस ये यहाँ का व्यू, ये देखो ये यहाँ का व्यू है। ये यहाँ पे एक मंदिर है, और ये काली माता का एक मंदिर है ये, यहाँ पे देख लो ये पीछे का बस नज़ारा देखो। और ये नीचे मंदिर सीधा, अभी जस्ट दर्शन लिए। अरे बस ये व्यू देखो गाइस, पीछे देखो वहाँ पे एक लेक है उधर, और ये देख लो बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी। देख लो मेरे पीछे पूरा पूरा जंगल है। जा रहे रिटर्न बैक नीचे, ये देख लो ये ऐसा था अभी जो ऊपर से चढ़े ना, ये ऐसा था चढ़ने का। बहुत ही प्यारा है गाइस, यहाँ पे एक बार जाओगे ना आप लिटरली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। या मैंने आते समय ना ऊपर ना लिया नहीं, क्योंकि ना ये जो इसके स्टेयर्स है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। बट ये देख लो यार, ये ना अभी इतना ज़्यादा ना डेवलप्ड है, बट पहले ना इसके जो स्टेयर्स है ना बहुत छोटे छोटे से थे, बहुत छोटे। अभी ये लोग ने बहुत अच्छे से पूरा बनाया है, ये देख लो। गाइस ये व्यू ऐसा है यहाँ से ऊपर जाने का, वहाँ पे एक ना हाथ धोने का भी है वहाँ पे बनाया है, और ये अपने बारूंडा माता, और यहाँ से जाके उधर से नीचे आने वाला सिस्टम है इधर, बहुत ही प्यारा है। अभी ये लोग चप्पल पहन रहे सब लोग, मैंने तो ऑलरेडी पहन लिया है, और ये लोग तो पहन रहे अभी। यहाँ से देखो गाइस, फोन में इतना कैप्चर नहीं होगा जो हम लोग अपने आँखों से देखते हैं, बट मोस्ट ब्यूटीफुल चीज। तो गाइस अब पूजा वगैरह बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो अब जा रहे हम नीचे फटाफट जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर कुछ दिखेगा नहीं प्रॉपर। तो इसलिए हम पहले सोचे कि पहले फटाक से नीचे उतरे, क्योंकि पापा को देनी है चाबी गाड़ी की, उनको शायद बाहर जाना है कहीं, तो पापा ने बोला है कि उनको चाबी चाहिए, तो जल्दी से नीचे उतरे। तो ये लोग तो मेरे आगे ही है, मैं पीछे हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग निकालना है। तो ये है वो मंदिर जो हम आपको दिखाने वाले थे, अब तो यहाँ पर बंद होगा नहीं है क्या, देखते हैं बंदे या फिर चालू है। रुको ये हमारे बजरंग बली, ये माता, और ये हमारे शिव जी, और यहाँ पे गणपति बप्पा, और ये शंभू शंभू कर रही है तब से, है ना, बोल शंभू बोल शंभू। इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अटक गई करके ये बूढ़े। ये गाइस रो रही है क्योंकि इसके पास ना प्रसाद था, और वहाँ पर ना बहुत छोटे छोटे से डॉग्स थे, तो हम लोगों ने एक तो दे दिया और एक था, तो इसको तो ये रो रही थी क्योंकि इसका ऐसा था कि उसको सब प्रसाद दे दो करके,
इसलिए ये तब से रो रही कि ना गाड़ी में भी एक प्रसाद है जो मेरा था, तो उसको ऐसा कि सब प्रसाद दे दो करके। तो गाइस अब जा रहे रिटर्न बैक टू होम। गाड़ी भी लाई है, कुछ तो बात कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है सब बोल रहा है। ये था एंट्रेंस, अब जा रहे रिटर्न फिर से। वो जुड़ानी देख लिया, और पिछले बार जिधर हम लोग गए थे ये वो है, लाइक एक कॉर्नर में ये और एक दूसरे कॉर्नर में ये है। ये छोटी मतलब ये उनकी छोटी सिस्टर है, और वो जो थी ना वो सबसे बड़ी सिस्टर है उनकी। और ये देख लो यहाँ पे कितने लोग आए, यहाँ पे व्यू देखो कितना प्यारा है, यहाँ पे सब लोग आए है सनसेट पॉइंट, यहाँ पे सनारा है। फिर सामने बहुत क्राउड है गाइस, यहाँ पे ना बारिश के वक्त में ये पूरा पूरा भरता है, ये भी और जो अभी ये था ना ये भी, ये दोनों भी, ये देख लो सब आता है। एक पिकनिक स्पॉट जैसा यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। ये देखो गाइस लोग देखो कितना है सामने देखो, ये देखो यहाँ से आपको जुदा न्याय का डोंगर पूरा क्लियरली दिखता है। और ये है स्विमिंग पूल, पहले मैं यहाँ पे आती थी कोचिंग के लिए, मैंने यहाँ पे अपना स्विमिंग का कोर्स किया है। और यहाँ से ऊपर जाने का व्यू है, और ये है यहाँ पे स्विमिंग के लिए। स्विमिंग टाइम अब सब मार्केट वार्केट जा रहे हैं, बस एक हम है जो घर जा रहे हैं। तो गाइस अब पहुंच गया, और मैंने लिया है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि और इसमें से आधा किधर हुआ ख़त्म, ये मेरे ना मामा ने आधा पिया हो, मेरे को बोला कि ये जगह पे लेके वो गया पप्पा को लाने, एक मिनट तो वो गया पप्पा को लाने, तो मैंने तब तक कोल्ड ड्रिंक ली थी बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा ठंडा पीने का मन कर रहा है। और मेरे फ्रिज में ठंडा पानी तो नहीं है, क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो मेरी मम्मी नहीं रखती फ्रिज में पानी, तो इससे काम चलाना पड़ेगा। बेटी सबसे ज़्यादा मिस करती है ये मुझे, बस मैं 2 मिनट के लिए नीचे जाऊँ, ज़्यादा मिस ये करती है। और इसको देखो, ये 2 दिन से बाहर नहीं निकली है, क्योंकि घर पर लोग आए तो ये घर के अंदर ही तो ये यहाँ पे बैठी है, या फिर बेड के नीचे बैठी रहती है। और देखो ना कैसे भी गुस्से में, काय ला गुस्से में देख रही है।